हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलिमास किचन। आज मैं आपके साथ गाजर के कंजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों के दिन शुरू हो रहे हैं और गाजर जो है ये सीजनल है, तो ये जाने वाली है, इसलिए हम एक बार इसकी कंजी बना के ज़रूर पी लें इस सीज़न में। तो मैंने ये दो गाजर लिए, इसको मैंने छिल लिया है, अब मैं इनको पीसेस में काट लूँगी। गाजर को मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहने दिया है। अब मैंने एक जार में एक बॉटल ली है कांच की, आप चाहे तो मटकी भी ले सकते हैं, पर मेरे पास मटकी नहीं थी इसलिए मैंने ये कांच का जार लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये गाजर के पीसेस। दूसरी चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे हींग। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दो पिंच हींग। मिर्च पाउडर एक टीस्पून, जो पानी है मैंने 2 लीटर के करीब लिया था। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राई का पाउडर, या आप राई की बीजी भी बोलते हैं। तो मैंने जो घर में नॉर्मली हम राई यूज़ करते हैं वो ली है और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो वो इस तरह से बन गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी कंजी जो है वो खट्टी होगी। तो ये डालेंगे हम 2 टीस्पून। इसमें डालेंगे हम सफ़ेद और काला नमक दोनों। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक लकड़ी की मदद से। ये मैंने रवी ली है, उससे मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई वुडन स्पैचुला है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कंजी अभी हमारी सिर्फ प्रोसेस हुआ है, ये बन के तैयार होगी 4 से 5 दिन में। अब ये जो कंटेनर है हमारा, ग्लास जार है, इसको हम ले जा के रख देंगे धूप में। कंजी को मैंने धूप में रख दिया है, मैं अब इसको 4-5 दिन तक धूप में रखूंगी और शाम की वक्त इसको मैं अंदर ले लिया करूंगी। तो अब 4 से 5 दिन बाद हम देखते हैं कंजी का क्या स्टेटस है, और रोज़ हम इसको एक बार स्टर ज़रूर करेंगे। कंजी का हमारा 4th डे है जब मैं इसको निकाल रही हूँ। एक बार हम इसको अच्छे से शेक कर लेते हैं। अब हम इसका लिड खोलते हैं और कंजी हम सर्व करेंगे। इसको हमें स्टर कर करके ही लेना है। अब कंजी में हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और जो बाकी की कंजी है वो हम रख देंगे फ्रिज में, जब हमें यूज़ करना होगा तब हम निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंजी बहुत ही टेस्टी बनती है, और अगर हमें इसका खट्टापन ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।